जो रविंद्र सिंह भाटी है सिव विधानसभा से विधायक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है बीजेपी मेंबर, यहां से हम रविंद्र सिंह भाटी को जिताकर मेलते भेजते हैं संसद में, वहां वो मोदी जी का सपोर्ट करेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे, मोदी जी के नेतृत्व पे ही आगे कदम बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी तब मात्र 5 दिनों के बाद उन्होंने दुपट्टा फेंक दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ विष्णु चौधरी है, इनसे खास बातचीत करेंगे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट पर। यहां से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने 6 मार्च से अपनी बड़ी बड़ी सभाएं करनी शुरू कर दी है। वहीं कल एक निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले उम्मीदवार राम बेनीवाल जो कि कांग्रेस से है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और 28 मार्च को भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों पे। बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। इस वक्त बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में क्या माहौल चल रहा है, क्या हवाएं चल रही है? बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करती है और एक बार पुनः 400 प्लस की धारणा के रूप में डबल इंजन की सरकार में एक डिब्बा बाड़मेर से भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाएगा, जिसमें कैलाश चौधरी जी भारी मतों से विजय होंगे। यहाँ पर एक अनुमान ये लगाया जा रहा है, मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर दो जाट कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने जाट कैंडिडेट उतारा है। वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में युवा विधायक सिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त मैदान में है और कल की उनकी भीड़ देखकर लोग कह रहे हैं कि यहां से रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी लोकसभा में 7 विधानसभा है, कौन सी विधानसभा से वो आगे रहेंगे? आप एक ही विधानसभा बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ रविंद्र जी तो सिव विधानसभा से भी पीछे रहेंगे। कौन सी विधानसभा से रहेंगे? बाड़मेर से रहेंगे, बालोतरा से, पचमदरा से रहेंगे, गोड़ामालान से रहेंगे, चौटन से रहेंगे, बायतू से रहेंगे, कहाँ से रहेंगे? जैसलमेर से रहेंगे, कहीं से भी नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप निश्चित रूप से रहिए। 25 तारीख को जब मतदान होगा और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सबके होश उठ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जीतने जा रही है, जिसमें की कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो बायतू से 2 बार चुनाव लड़े हैं और हारे हैं और उन्हें अब मौका देना चाहिए, उन्हें लोकसभा में भेजना चाहिए उम्मीदवार राम बेनीवाल को। जनता, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करती है। जिस प्रकार से 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन और जिस प्रकार से धरातल पर एक आम मतदाता को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, जो उनके सपने हैं, जो उनके सरकार के कार्य है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य विगत 10 वर्षों से कर रही है और बाड़मेर की जनता विकास के नाम पर वोट देगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देगी, न कि किसी व्यक्ति विशेष के स्वाभिमान के नाम पर देगी। राष्ट्र का स्वाभिमान हम सब के लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हमने यहाँ से विजय बनाकर बताएंगे। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 साल तक यहाँ से जो प्रत्याशी है, इस वक्त वो सांसद और मंत्री भी रहे पर इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, वो अब कैसे आ गए? अचानक से टिकट मिल गई, अब अचानक से प्रचार करना शुरू कर दिया? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, केंद्र में मंत्री थे, यहाँ की अपेक्षा थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आप बोल जाइए, आ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन पर विश्वास किया, बाड़मेर जैसलमेर के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने मोदी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, तो उसको लेकर के वो वहाँ रहे होंगे बिजी, लेकिन हमेशा शनिवार संडे को भी यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर की जनता के बीच में रहे है और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं है उसको लेकर के कार्य किया है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, एयरपोर्ट का पिछले 4.5 वर्षों से जो अटका हुआ था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ, वो अतिशीघ्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे अनेक कार्य हो गए हुए जो प्रधानमंत्री जी ने तो भेज दिए, यहाँ की स्थानीय सरकार ने उसको स्टेप ब्रेक के रूप में रखा, जिसको अब डबल इंजन की सरकार के रूप में माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के कैलाश चौधरी जी विगत लंबे अरसे से जनता के बीच में थे, जनता के लाडले है, प्यारे है, जनता उनको चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर फिर एक बार कैलाश चौधरी जी विजय होंगे। एक काम तो आपने गिना दिया एयरपोर्ट वाला, पर लोग ये भी कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री रहे, यहाँ से सांसद रहे, केंद्र में सरकार थी, पर अपने क्षेत्र के लिए किया तो किया क्या?
देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुड़ा मालानी में कृषि को लेकर के एक बहुत बड़ा औद्योगिक बन रहा है। कोविड कारण हम जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों में साकार को लेकर के 2019 के बाद सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम हमारे बीच में, एक आई टिड्डी, दूसरी आई कोरोना। और टिड्डी और कोरोना में माननीय मंत्री जी हमारे बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, जनता के हितों को लेकर के उन्होंने प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वैलिडेशन, डॉक्टरों की नियुक्ति करवाना और ऑक्सीजन देना, उसको लेकर के कार्य किया है। लोग इस तरह के पोस्टर जो है वायरल हो रहे हैं, कार्य कहना चाहता हूं, यहां पर व्यक्ति विशेष का स्वाभिमान नहीं है। देश की जनता राष्ट्रवादी पार्टी को वोट देगी, हम सब राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत है। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वाभिमान नहीं चलेगा, यहां पर राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यहां पर राष्ट्र की भावना को प्रथम प्रावधान पर, जैसे नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की भावना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और भारतीय जनता पार्टी ही विजय रहेंगी। आप निश्चित रहिए, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। 36 की 36 कौम भारतीय जनता पार्टी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में कैलाश चौधरी को विजय बनाएगी। अभी आप देखते जाइए, अभी तक तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई, ट्रेलर भी बाकी है, आप देखते जाइए 10 तारीख के बाद ये जो माहौल है इसका कैसे कायापलट होता है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कैसे यहाँ से जीत कर जाता है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाऊं। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं इस क्षेत्र में, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में, कि जो रविंद्र सिंह भाटी है सिव विधानसभा से विधायक, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है बीजेपी मेंबर, यहाँ से हम रविंद्र सिंह भाटी को जिताकर भेजते हैं संसद में, वहाँ वो मोदी जी का सपोर्ट करेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे, मोदी जी के नेतृत्व पे ही आगे कदम बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी तब मात्र 5 दिनों के बाद उन्होंने दुपट्टा फेंक दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, न कि कोई व्यक्ति विशेष है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर कमल का फूल है, कमल के फूल पर यहाँ की जनता वोट देगी, किसी भी निर्दलीय को या अन्य किसी भी प्रत्याशी को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जनता जनार्दन का निर्णय है, और आप 24-25 तारीख को देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा, और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब आप खुद बोलोगे कि क्या था, क्या हो गया, कायापलट हो गई, निश्चित रूप से आप देखते जाइए। मोदी जी आएंगे यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, आगामी दिनों में उनकी सभाएं होगी जिनका हम सभी कार्यकर्ताओं को पाथे प्राप्त होगा, और जनता के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को लेकर के और ज्यादा उत्साह बढ़ेगा। यहाँ पर कोई फिल्मी स्टार भी आने वाले है ऐसा भी सुनने में आ रहा है, वो तो उस समय की पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर है। जब वो अंदर जाएगा मतदान देने के लिए तो उनको सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल दिखेगा, और कमल के फूल पर वो मतदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और जनता का भी विश्वास है। डबल इंजन की सरकार का क्या विजन है जो लेकर इस वक्त प्रत्याशी मैदान में है? डबल इंजन की सरकार में जिस प्रकार से 5 सालों में जो उनके गड्ढे थे उनको भरपूर किया है, खाइयों को भरा है, जो जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा, पेड़ था उस पेड़ को वट वृक्ष बनाया, अब उस पर फल अब लगेंगे। 5 साल प्रदेश में सरकार विपक्ष की थी इसलिए कुछ कार्य नहीं हो पाए, लेकिन उन कार्यों को, अटके हुए कार्यों को किस प्रकार से अतिशीघ्र शुरू किया जाए उसको लेकर के कार्य किया जाएगा। उनके विजन को, उनके सपनों को प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 10 साल का विकास किया है, उस विकास के मुद्दे को अनवरत रूप से कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल विषय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों की भावना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से भारतीय जनता पार्टी विजय रहेगी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं। मैं आप दिनेश जी आपको विश्वास दिलाता हूं, फिर आना 25 तारीख को जब मतदान होंगे और 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। पचंद्रा हो, बायतू हो, शिव हो, जैसलमेर हो, गुड़ा मालानी हो, या फिर बाड़मेर हो, या फिर चोटन हो, सातों की सातों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त से आगे बढ़ेगी। ये इस वक्त हमारे साथ विष्णु चौधरी थे, जो कि बीजेपी के एक एक्टिवेट कार्यकर्ता है, युवा भी है और एक युवा का जोश भी रखते हैं अपने अंदर। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत।